वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अलीनाज एक्सपर्टीज। होप सो आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अब हम बनाने लगे हैं आज किसकी चटनी भला, पुदीने की और धनिया की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इंग्रेडिएंट्स डिपेंड करते हैं कि आप कितनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम मैंने दो पंच जो हैं वो लिए हैं धनिए के और एक पंच मैंने लिया है पुदीने का। और उसके अंदर हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 5 से 6 डाली हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा सारी बना रही हूँ तो प्रिजर्व हो जाती है, ये फ्रीज़ हो जाती है, तो आप इसको ज़्यादा सारी बना के भी रख सकते हैं। इसमें लहसुन है, इसमें हमारी सुर्ख मिर्च कुटी हुई है, पाउडर है, और इसमें हल्दी और नमक आपने डालना है। नमक थोड़ा सा मैं इसमें तेज़ रखती हूँ, क्योंकि बाद में आप जब दही ऐड करते हैं तो फिर वो कम भी हो सकता है, तो इसलिए आप इसमें 2 टीस्पून डाल सकते हैं, या एहतियातन आप 2.5 भी डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा ना डालिएगा, कड़वा हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो अब हम इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ताकि ये सारी हर्ब्स हैं तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है। तो आपने तकरीबन इसमें 1/2 ग्लास या जितना आपको रिक्वायर्ड हो आपने उसमें पानी डालना है और इसको ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, अच्छा सा ग्राइंड करिएगा, फाइन ग्राइंडिंग चाहिए हमें। अब यहाँ पे देखें ये मिक्स नहीं हो रहा, मैं थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड करूँगी ताकि ये फाइनली मिक्सिंग इसकी हो जाए। अब आप इसको किसी बॉटल में निकाल लें, ग्लास जार में निकालिए का ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं मज़ीद इसके अंदर डालूँगी और बाकी के भी जो मेरे पास अब बंच पड़े हैं उनको सारों को ऐड कर दूँगी सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और इनको फाइनली उसी तरीके से सेम रिपीट करेंगे और फिर हमारे पास ढेर सारी चटनी तैयार हो जाएगी। ये लें जी, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको फ्रीज़ करें और जब आपने खाना हो उसको 1 घंटा पहले निकालें और उसको अपने दही के अंदर मिक्स करके खाएं। ये देखिए मेरे पास चाटी का दही मौजूद है, ये घर में जमाया हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने इसको मिक्स करूँगी और इसके अंदर खूबसूरत रंग आएगा इसका। आप इसको किसी भी फ्रोज़न आइटम के साथ ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी अपकमिंग वीडियोस साथ साथ मिलती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।